गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी आप बिजनेस स्टडीज में सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें पोर्शन चल रहा है पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें हम पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ चुके हैं। मींस पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, वो एक बिजनेस को करते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो आपस में शेयर करते हैं। अब वो बिजनेस चाहे वो खुद चलाएं या उनकी तरफ से कोई और चलाए, ये इस डेफिनेशन का मीनिंग है हिंदी में। इसके फीचर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि टू और मोर पर्सन्स, जैसे दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, एक बिजनेस होगा, बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब डेफिनेशन से निकाल सकते हैं विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब चाहे वो लोग चलाएं या कोई और भी उसको चला सकता है। तो यहां से आप उसके फीचर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरिट्स इसके कल आप लोगों ने देख ही दिए थे, ठीक है, एक बार में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा मेरिट्स को, जैसे कि इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसानी से इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर के लेते हैं, जो बेस्ट डिसीजन होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। मोर फंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले इसमें फंड्स जो है वो ज्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर हो जाता है क्योंकि सब लोग का बराबर रिस्क है, ठीक है, सब लोग जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से और लोग का रिस्क भी है, हालांकि रिस्क इसमें अनलिमिटेड है, अगर दूसरे पार्टनर का कोई लॉस होता है वो भी खुद ही झेलना है। सीक्रेसी, सीक्रेसी भी बनी रहती है। तो ये कुछ आपने इसके मेरिट्स देखे थे। अब देखते हैं हम इसके लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या है कि पार्टनरशिप में लोग फिर भी बिजनेस कम करते हैं, उसके पीछे रीजन है, कुछ कुछ इसमें कमियां है, क्या क्या कमियां हैं जरा देखिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ी बात पार्टनर्स की यहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है, तो सभी पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल होने तक की अगर नौबत आती है तो वो सेल हो जाएगी। यहां पर पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों अलग अलग नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, एक साथ ही काउंट होते हैं। तो आप समझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड वर्ड कई जगह आया है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी आया था, वहां कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्योंकि वो मालिक है बिजनेस का। ऐसे यहां पर जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर एक पार्टनर को लॉस हुआ तो वो लॉस जो है वो सभी लोगों को, बाकी के पार्टनर्स को वो झेलना होगा, ठीक है। तो यहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, माना कि इसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं मुकाबले सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटर तो आप जानते ही हैं, वो प्रोप्राइटर या वो बिजनेस जिसमें अकेला आदमी बिजनेस करता है, तो वो अकेला पैसे लगाता है, उसके पास सारे संसाधन अकेले के होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपने और भी लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकें। तो इनका जो बिजनेस है वो भी लिमिटेड ही होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास में होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते। एक सबसे बड़ी कमी जो दिखाई देती है पार्टनरशिप में, साझेदारी में, हमेशा सभी जगह होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, आपसी विवाद के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
आप जानते हैं जब भी कोई काम साझे में या मिलकर के किया जाता है तो उसमें कभी ना कभी विवाद हो ही जाता है, डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं, मतभेद हो ही जाते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्योंकि सब लोग मिलकर के काम करते हैं तो यहाँ पर भी विवाद के उतने ही चांसेस हैं जितने एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं। तो इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी कमी है कि ठीक है जब तक चल रहा है आपस में अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, और जिस दिन डिस्प्यूट्स हो गए उसी दिन वो बिजनेस बंद भी हो जाता है, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, पार्टनरशिप खत्म। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, रीजन वही कि आपसी डिस्प्यूट हो गया या पार्टनरशिप किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, और भी बहुत सारे रीजन है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो बिजनेस बंद हो जाता है। ये आपको पार्टनरशिप में हम सिखाएंगे जब आप 12th में आ जाएंगे क्या क्या रीजंस होते हैं पार्टनरशिप खत्म होने के, हालांकि इसमें भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें भी ना कंटिन्यूटी की कमी होती है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता। इसके बाद एक पॉइंट और आपको दिखाई दे रहा है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है इसमें डिस्प्यूट हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती तो बैंक भी लोन देने से थोड़े से बचते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। पब्लिक डीलिंग में भी लोग क्रेडिट पर ज़्यादा सेल परचेज नहीं करते, इससे गुड्स, अगर आप पार्टनरशिप में कोई गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं बिजनेस में तो लोगों की उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि पता है कभी भी ख़त्म हो सकता है, पैसा डूब सकता है। या पार्टनरशिप बिजनेस अपने अकाउंट्स दूसरों को दिखाने के लिए बाउंड नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस में हमने एक फीचर पढ़ा था इसका कि ये किसी इसमें सीक्रेसी बनी रहती है, हमने मेरिट में पढ़ा था कि इसमें सीक्रेसी है। ठीक है, सीक्रेसी है, लेकिन जब ये सीक्रेसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपने अकाउंट्स किसी को दिखाएंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है बिजनेस में क्या नहीं हो रहा है, तो ये इस तरीके से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब लोग किसी आपको सही सच्चाई नहीं जान पाएंगे आपके बिजनेस के बारे में तो लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो लिमिटेशंस के थे, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपको दिया हुआ है एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को या कुछ पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो वो बाकी के पार्टनर्स को झेलना होगा, क्योंकि वो लॉस बिजनेस का है, सबको मिल करके करना है। इसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले, सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकें, ये एक सबसे बड़ी इसमें ये भी कमी है। थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि साझे में मिल करके काम करते हैं जब तक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्लिक्ट यानी मतभेद हो सकते हैं कभी भी, जिस दिन मतभेद हुए डिस्प्यूट्स हुए उसी दिन वो बिजनेस बंद। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसी रीजन से इसमें कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। ठीक है, और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें पब्लिक को कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि आप अपने अकाउंट किसी को दिखाने के लिए बाउंड हो है नहीं, तो लोगों को सच्चाई पता नहीं चलेगी, जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी तो आपके साथ बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।